world renowned tarot card reader, spiritual healer, Dr. Lavina Gupta. 18 वर्षों से हीलिंग के माध्यम से हजारों लोगों को ठीक करने का और उनके जीवन को सही दिशा देने का काम कर रही हैं। लवीना जी सोल सर्चर रिसर्च ट्रेनिंग एंड हीलिंग फाउंडेशन की संस्थापक हैं। वो समय समय पर टैरो कार्ड्स, रेकी, बुद्धा हीलिंग और इसी प्रकार की अनेक वर्कशॉप आयोजित करती हैं। ये वर्कशॉप अटेंड करके आप भी हीलिंग मास्टर बन सकते हैं, जैसे कि आप स्वयं को और अपने आसपास रह रहे लोगों को हील कर सकते हैं। ओम बुद्धा, आप सभी देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हीलिंग बुद्धा विद डॉक्टर लवीना गुप्ता। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, किसी महान पुरुष ने कहा है कि या तो आप जीवन में आगे बढ़ते हैं या फिर सड़ते हैं। अगर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप सड़ते हैं, यानी आपकी जो ग्रोथ है वो अगर रुक जाती है तो कहीं ना कहीं जीवन आपका खराब हो जाता है, जीवन ही आपका सड़ने लगता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आप और हम सभी ये चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ते रहें, निरंतर अग्रसर होते रहें, सफलता की ऊंचाइयों को हम छूते रहें, लेकिन आगे बढ़ा कैसे जाए, जीवन में सफल हुआ कैसे जाए, अच्छे मार्ग पर चला कैसे जाए, कैसे ये समझा जाए कि कौन सा मार्ग हमारे लिए ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है, इन सभी बातों का जवाब देने के लिए, इन सभी बातों को आपको समझाने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर लवीना गुप्ता जी, जो कि आप सभी जानते हैं द सोल सर्चर की फाउंडर हैं, इसकी संस्थापक हैं, रेकी मास्टर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और साथ ही साथ बहुत सारी विधाओं से लैस हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलकर हम डॉक्टर लवीना जी का स्वागत करेंगे। नमस्कार डॉक्टर लवीना जी, आपका स्वागत है। लवीना जी, जैसा कि अभी मैंने कहा कि या तो हम जीवन में आगे बढ़ते हैं या फिर हम सड़ जाते हैं, हमारी ग्रोथ अगर रुक जाती है तो जीवन हमारा खराब हो जाता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एनएलपी नामक एक प्रोग्रामिंग की जाती है, एक कोर्स सिखाया जाता है एक्सपर्ट्स द्वारा, ये कोर्स किस चीज पर आधारित है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कैसे ये हमें सिखाता है कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, कौन सा रास्ता चूज करना है, कौन सा नहीं चूज करना है, इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप हम सभी को अवेयर करें। जी बिल्कुल। देखिए, एनएलपी क्या है, इसकी फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और ये साइंटिफिकल प्रूवन है कि साइंटिस्ट ने प्रूव करा है कि हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स यानी कि सेल्स होते हैं, अगर हम उनको प्रोग्राम कर दें, या अगर हम डिप्रेशन में हैं हम डिलाइटेड महसूस करना शुरू कर दें, अगर हम डिप्रेशन में हैं हम हैप्पीनेस को महसूस करना शुरू कर दें, तो वो हम अपनी प्रोग्रामिंग से, लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक हमारे दो तरीके की लैंग्वेज होती है, एक होती है वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल। वर्बल क्या होती है, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं वर्ड्स में, फ्रेजेस में, जितने भी लोगों से आप सोशली कनेक्टेड होते हैं, आप कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, वर्बल लैंग्वेज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और एक होती है नॉन वर्बल लैंग्वेज, जैसे कि आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, किसी से आप मिल रहे हैं तो बड़े आसानी से मिलेंगे तो बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि आप उससे कितने क्लोज हैं या उसके साथ बात करने में पसंद करते हैं या नहीं करते। तो हमारे दो तरीके की लैंग्वेज होती है, उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक और प्रोग्रामिंग। जैसे कि कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग होती है, सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग करी जाती है, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करी जाती है, सेम ऐसे ही हमारे माइंड की भी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एनएलपी, न्यूरॉन्स जो कि ब्रेन्स में है, लिंग्विस्टिक जो एक लैंग्वेज हमारा ब्रेन समझता है, और प्रोग्रामिंग जो हम उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं एनएलपी। चलिए, एनएलपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, किस तरह से काम करता है, ये आपने बता दिया। अब ये टर्म मैंने भी खुद पहली बार सुनी है और बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे भी लग रहा है, तो पर्सनली मैं भी आपसे ये जानना चाहूंगी कि भाई इसमें क्या क्या चीजें आप इंक्लूड करते हैं और क्यों एक्सपर्ट्स के द्वारा ही ये आपके स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है, क्या इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है प्रोग्रामिंग, और स्पेशली ये बात कि एनएलपी जो ये प्रोग्रामिंग है कि कैसे हेल्पफुल है किसी एक व्यक्ति विशेष के माइंड को सेट करने में कि आपको अपने टारगेट को इस तरह से अचीव करना है। जी बिल्कुल।
जैसे अगर हमारे पास्ट में किसी के साथ कोई बैड ट्रॉमा रहता है, कोई बैड एक्सपीरियंस रहता है, तो वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता। अगर किसी को इमोशनल डिस्ट्रेस होता है या किसी का ब्रेकडाउन हो जाता है, किसी का ब्रेकअप हो जाता है, इमोशनल डिस्ट्रेस हो जाता है, या फिर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या होता है, पर्सन आगे किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर पाता और उसको लगता है कहीं मेरे साथ दोबारा ना हो जाए, कहीं दोबारा ना हो जाए, और वही चीजें कई बार पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आपने अपने माइंड को प्रोग्राम कर लिया है कि मैं दोबारा ऐसा करूंगा, कहीं दोबारा वैसा ना हो जाए। वो जो डर है, वो जो प्रोग्रामिंग है, वो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स में बैठ गई है, हावी हो गई है। और ये साइंटिस्ट ने इसको प्रूव करा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, सारा कंसेप्ट साइंटिफिक है। इसको हम अपने न्यूरॉन के पैटर्न्स को जब हम ये कोर्स सीखते हैं हमारे सेंटर में, हमारे फाउंडेशन में, हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू आप इसको सीख सकते हैं। इसके 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आप अपनी स्टेज के हिसाब से पहले बेसिक चीजें आप सीखेंगे कि, और पहले हम जानेंगे कि न्यूरॉन्स को हम किस तरीके से, अगर कोई पास्ट में कोई घटना हुई है तो उसको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं अपने सिस्टम से, जो कि बहुत आसान छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं, उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं और उसको किस तरीके से, इसमें हम आगे फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन भी करते हैं। अगर आपको फ्यूचर में आगे बढ़ना है या आप ग्रोथ या सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, तो किस तरीके से माइंड को प्रोग्राम किया जाता है जिससे कि जो आप चाहो लाइफ में अचीव कर सकते हो और अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हो, आप एक क्रिएटर बन सकते हो अपने डेस्टिनी का। तो ये जो चीजें आपने बताई है लवीना जी, ये वाकई में सुनने में जितनी आसान लग रही है, मैं समझती हूँ कि इसको अडॉप्ट करने में, ऑप्ट करने में ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि किसी मेमोरी को जो आपके दिमाग पर हावी है, आपके जहन में हावी है, उसको किसी टेक्निक के द्वारा डिलीट करना, मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल ये हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत हमारे जीवन में हुआ होता है तो उसके साथ कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस जो है वो अटैच होते हैं, और इमोशंस को डिलीट करना एक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। द सोल सर्चर फाउंडेशन में NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का ऑनलाइन कोर्स कराया जाता है। फाउंडेशन से जुड़कर आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। इसके अलावा द सोल सर्चर फाउंडेशन आपके लिए लेकर आया है एक सुनहरा मौका। द सोल सर्चर फाउंडेशन से जुड़कर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9953005749 पर। तो यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि ये जो पूरा प्रोसीजर है, जो कोर्स है ये डिलीटिंग का माइंड से, इसमें टाइम कितना लगता है? क्योंकि एक या दो दिन का या एक या दो महीने का तो प्रोसेस में इसको नहीं समझती हूँ, तो इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगता है और इसका रिजल्ट कैसा रहता है? क्या रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम किसी को आती है कि भाई कोई मेमोरी है उसको हमें डिलीट करना है, तो 70% तो डिलीट होगी लेकिन 30% अभी भी रह गया है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में समझना चाहूंगा। देखिए इसके अंदर इसलिए लेवल्स बनाए गए हैं क्योंकि वन गो में कुछ भी नहीं होता। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 1 में पहला बेसिक सीखते हैं कि कोर्स ही इसलिए डिजाइन है कि ये सब चीजें करनी आसान हो जाए। लोगों को लगती है कि ये बहुत मुश्किल है, बट आप जब एक्सपर्ट के द्वारा, जब सोल सर्चर एक्सपर्ट के द्वारा ये चीजें सीखेंगे तो वो चीजें आसान होने लग जाएंगी। अब जैसे आपको एकदम से कोई छोटे बच्चे को बोल दे कि बेटा एकदम ऐसे लिख लो, आप माय फैमिली के ऊपर ऐसे लिख लो, बहुत छोटा एग्जांपल दूंगी, तो वो नहीं लिख सकता। सबसे पहले उसको ABCD सिखाना पड़ेगा, फिर उसको वर्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं वो सिखाना पड़ेगा, फिर सेंटेंस बनाना सिखाना पड़ेगा, और फिर उसको सिखाया जाएगा ऐसे कैसे लिखते हैं, और फिर वो लिख पाएगा। तो सेम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप 3 लेवल्स में इसको सिखाया जाता है। फर्स्ट लेवल में आप कुछ चीजें सीखोगे, फिर सेकंड में कुछ, और थर्ड में कंप्लीट चीजें, प्लस बहुत सारे हमारे ट्रॉमास पास्ट लाइफ से भी जुड़े होते हैं। तो थर्ड लेवल में हम आपको पास्ट लाइफ के बेसिक्स भी करवाते हैं जिससे कि वो पास्ट लाइफ के अगर कहीं पर कहीं कोई ट्रॉमा स्टोर्ड है तो वो भी हील होने लग जाता है। तो इस कोर्स को करने के बाद अपने थॉट पैटर्न्स को, अपने न्यूरॉन्स को आप दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हो, जैसी लाइफ आप चाहते हो वैसी क्रिएट कर सकते हो। अगर आप किसी बिजनेस में हो, ग्रोथ चाहते हो, सेल्स चाहते हो, वो अचीव कर सकते हो। रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, वो अचीव कर सकते हो आप इससे। अगर आप कोई स्पोर्ट्समैन हो या किसी एक्टिविटी में हो तो उसको कैसे डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचाया जाए। अगर आप टीचर हो, अपने स्टूडेंट्स को मैक्सिमम उनके कैसे मार्क्स को लाया जाए, सारी चीजों का समाधान है इसके अंदर। इस कोर्स को लर्न करने के बाद आप ये सारी चीजें बहुत ही बखूबी कर सकते हैं।
और देखिए दर्शकों, जहां तक मैं समझती हूँ कि हर इंसान अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहता है, जैसा कि अभी अभी लवीना जी ने कहा, अगर आप टीचर हैं तो आप चाहेंगे कि आपके स्टूडेंट मैक्सिमम जो है मार्क्स ऑब्टेन करें, या आप किसी भी फील्ड में हैं, आप उस फील्ड में 100% अपना देना चाहते हैं। और अगर आप भी इस तरह की इच्छा रखते हैं तो द सोल सर्चर फाउंडेशन जो है आपका इंतजार कर रही है। आप इस फाउंडेशन के साथ जुड़े, डॉक्टर लवीना गुप्ता जी के साथ आप जुड़े, और मैं तो आपको ये कहूंगी कि आप इस कोर्स को जरूर करें, क्योंकि शायद लवीना जी इस कोर्स को करने की कोई एज लिमिट तो है नहीं, किसी भी एज ग्रुप का इंसान इस कोर्स को ऑप्ट कर सकता है और अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बन सकता है। साथ ही साथ जब आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हैं, इस विधा से जब आप लेस हो जाते हैं, तो ये जो ज्ञान है ये आप औरों में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, औरों में भी आप ट्रांसफर इसको कर सकते हैं, औरों को भी आप सिखा सकते हैं। तो लवीना जी, ये तो पास्ट मेमोरी की बात हो गई कि कोई एक वाक्य जहन में इतना हावी हो जाए कि उसे हम डर जाते हैं। कई बार क्या होता है कि फ्यूचर में या वैसे ही कोई घटना हमारे साथ घटित हुई नहीं है, लेकिन कहीं वो घटित हो ना जाए, इस बात का भी हमें डर रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके अपनी बात को समझाना चाहूंगी। अब जैसे मैं कभी समुद्र में गई नहीं हूँ, स्विमिंग पूल में गई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे एक डर बैठा हुआ है मन में कि बस पानी को मैं देख के मैं डर जाती हूँ, मैं हिम्मत ही नहीं कर पाती कि मैं उसमें जो है जाऊं या थोड़ा एंजॉय करूं या कुछ स्विम करूं। तो अब ऐसा नहीं है कि पास्ट मेमोरी में मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है। तो जिस तरह से इस कोर्स में आपने बताया कि पास्ट मेमोरी को डिलीट किया जाता है, उसको तो आपने डिलीट कर दिया, लेकिन ये इस तरह का जो डर है, इस तरह का जो मन पे हावी विचार है, इन विचारों को भी क्या इस कोर्स के दौरान ठीक किया जाता है? ये सब हमारे ना ब्रेन के थ्रू होता है, न्यूरॉन्स में हमारी कुछ चीजें स्टोर्ड है, फियर, फोबिया, जो नेगेटिविटी है वो स्टोर्ड है, एंग्जाइटी स्टोर्ड है, तो उसको भी हम डिलीट कर सकते हैं। उसकी भी छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, वो आपको एक्सपर्ट के थ्रू समझाई जाएंगी, तो उससे ये सारी प्रॉब्लम बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाती है। यानी जीवन को वाकई में अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो भाई ये कोर्स करना तो बनता है। साथ ही साथ द सोल सर्चर में ये कोर्स करके आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हैं, साथ ही साथ इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर आप पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं, बाकी के लोगों को भी आप अवेयर कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। द सोल सर्चर फाउंडेशन आपको एक बहुत ही बेहतरीन ये मौका दे रही है कि आप इस फाउंडेशन के साथ जुड़े, कोर्स को ऑप्ट करें। सिर्फ यही कोर्स नहीं, और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो ये फाउंडेशन आपको प्रोवाइड कराती है, तो ये कोर्स करके आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट भी बन सकते हैं और बाकी के लोगों को भी आप सिखा सकते हैं, इस फाउंडेशन के साथ आप जोड़ सकते हैं। और वैसे भी बुद्धा जी ने कहा है कि जब आप एक दिया दूसरे के रास्ते में जलाते हैं, दूसरे के रास्ते को दिखाने के लिए एक दिया जलाते हैं, तो आपका खुद का रास्ता भी रोशन हो जाता है, आपका खुद का जीवन भी जगमगा जाता है। तो हम तो बुद्धा जी के इसी थॉट पर, विचार पर जो है अग्रसर हैं, और ये चाहेंगे कि आप सब भी बुद्धा जी के इस विचार पर अग्रसर हो, ये जो मुहिम उन्होंने छेड़ी है, इस मुहिम का हिस्सा आप सब भी बन सकते हैं। तो चलते चलते दर्शकों, आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सकता है द सोल सर्चर फाउंडेशन के साथ आप जुड़े, कोर्स को ऑप्ट करें। बाकी अगर कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर्स, डिटेल्स आपके सामने हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, इन्हीं पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। और लवीना जी से अगर आप मुलाकात करना चाहते हैं तो कार्यक्रम के बाद भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स, ईमेल साइट, वेबसाइट, सब कुछ आपकी स्क्रीन पर सामने हम फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। लवीना जी, आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आज भी हमारे दर्शकों को दी है, आपका बहुत बहुत आभार। ओम बुद्धा, ओम बुद्धा दर्शकों। द सोल सर्चर फाउंडेशन में NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का ऑनलाइन कोर्स कराया जाता है। फाउंडेशन से जुड़कर आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। इसके अलावा द सोल सर्चर फाउंडेशन आपके लिए लेकर आया है एक सुनहरा मौका। द सोल सर्चर फाउंडेशन से जुड़कर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9953005749 पर। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आप लवीना जी को कॉल कर सकते हैं।
या फिर उन्हें उनके व्हाट्सएप नंबर 9953005749 पर मैसेज भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें उनकी वेबसाइट www.reikisadhana.com। लवीना जी द्वारा दी गई टिप्स और समाधान को जानने के लिए सब्सक्राइब करें उनका यूट्यूब चैनल डॉक्टर लवीना गुप्ता। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।